बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, पाकिस्तान से मैं हूं और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद उमर अफजल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। इंस्टा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यार जल्दी जल्दी 50K करवाएं, क्योंकि 50K को हमने सेलिब्रेट भी करना है, तो तभी होगा जब आप 50K करवाएंगे। तो रिक्वेस्ट है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब करके ही जाओ और वीडियो भी देखो। सबको पता है पाकिस्तान एशिया कप से आउट हो चुका है, एशिया कप पाकिस्तान से आउट हो चुका है, और पीसीबी का इसके ऊपर स्ट्रांग रिप्लाई आया है। एक जो स्टूडियो में डिस्कस करने लगा हूं, नजम सेठी ने एक वो कहता है ना कि एक और बात कर दिया है बीसीसीआई और आईसीसी को लेके, इसमें आईसीसी की बात आई है। तो नजम सेठी अब ऑब्वियसली बात ये चुप बैठने वाले तो है नहीं, इन्होंने भी वो कहते हैं ना कि उंगलें करनी है अब, तो क्या इन्होंने नई उंगल की है इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। देखें बात वही आ जाती है कि पहले पाकिस्तान को एशिया कप की होस्टिंग दी गई, इंडिया ने बोला हम एशिया कप नहीं खेलेंगे, हम एशिया कप खेलेंगे लेकिन अलग वेन्यू पर जाकर, ठीक है। दूसरी साइड बाकी टीमों ने एग्री कर दिया लेकिन हम खेल लेंगे। फिर अब ऐसा क्या हुआ कि जी बांग्लादेश और श्रीलंका बोर्ड ने भी बोला कि हम जो पीसीबी का हाइब्रिड मॉडल है उसको हम उससे एग्री नहीं करते, हम भी इंडिया का साथ देंगे और जिस तरह वो कहता है हम उसी तरह करेंगे, और एशिया कप को श्रीलंका मुंतकिल कर दिया गया। अब जो पीसीबी की जानिब से एक रिप्लाई आया है और पीसीबी की जानिब से जो शॉकिंग रिएक्शन आया, उसमें नजम सेठी ने यह बोला है के भाईजान, और जो न्यूज अभी ट्विटर के ऊपर गर्दिश भी कर रही है उसमें ये न्यूज आ रही है कि भाईजान अगर इंडिया ये वाली हरकत करेगा, मतलब उन्होंने साफ लफ्ज में बोला है कि इस सब के पीछे इंडिया का हाथ है, इस सब के पीछे ये जितनी भी चीजें करवा रहा है ये बीसीसीआई करवा रहा है, और अगर बीसीसीआई बाज ना आया हम एशिया कप से भी बाइकॉट करेंगे, हम वर्ल्ड कप से भी बाइकॉट करेंगे, हम पाकिस्तान और श्रीलंका की एक सीरीज भी है जून जुलाई में उससे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि हम श्रीलंका अगर बगारती करेगा तो श्रीलंका से भी हम उस सीरीज से भी बाइकआउट करेंगे, हम एशिया कप से भी बाइकआउट करेंगे, हम जो 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में खेला जाएगा हम उससे भी बाइकआउट करेंगे, और हम इसके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे क्योंकि हमारे साथ ज्यादती की गई है, ऐसा पीसीबी का कहना है। और ये नजम सेठी ने बोला है और हम चुप बैठने वाले नहीं है, हम हर उस चीज के ऊपर एक्शन लेंगे, चाहे आगे आईसीसी आ जाए, चाहे आगे एशियन क्रिकेट काउंसिल आ जाए, हम सबको ये बोलेंगे कि आपने पहले हमें बोला कि आप एशिया कप करवाओ, अब आप हमारे से, आपको क्या हक पहुंचा कि आप हमें हमारे से होस्टिंग वापस ले रहे हो, ये सब कुछ मैंने, ये नजम सेठी ने बोला है। देखें बात वो आ जाती है अब इनको, अब ना मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इनकी अकल खुल रही है, अब इनको बात समझ आ रही है कि हम वो गलत कर रहे थे। अगर इंडिया ने बोल दिया था कि हम एशिया कप खेलेंगे, हम उसी उसी किट के साथ खेलेंगे जिसके ऊपर नीचे होस्टिंग पाकिस्तान लिखा होगा, लेकिन हम यूएई में खेलेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं बोला, इनको नहीं समझ आई, इन्होंने बोला कि पाकिस्तान आओ वरना हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, फिर इनसे जब एशिया कप वापस लिया गया अब इनको समझ आना शुरू हो गया है कि एशिया कप अब भी हम दोबारा हमें दे दो, पाकिस्तान होस्ट करेगा, इंडिया ना खेले, लेकिन अब मेरा काका ये मेरी जान के टोटे, अब ये वाली चीज कोई नहीं होने वाली, अब ये वाली चीज नहीं होने वाली, अब चीजें साल्व नहीं हो सकती। देखें एक टाइम होता है चीजें साल्व होने का, फिर जब चीजें हाथ से निकल जाए ना तो फिर साल्व नहीं होती, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने साथ खुद गलत किया है, और इंसान अपने साथ खुद गलत करता है, कोई किसी के साथ गलत नहीं करता, ये आप लोगों को भी पता है और ये मुझे भी पता है। अब एशिया कप होगा श्रीलंका में, पाकिस्तान बाइकआउट करता है कर देगा, कोई लिटरली किसी को कोई मसला नहीं होने वाला, मुझे पता है अपने मुल्क का, यार हम जज्बात में आ जाएंगे, हम जज्बात में आकर कोई फैसला कर देंगे जो कल को हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क करेगा। मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान ने भी वर्ल्ड कप खेलने जाना 2023 का, जरूरी ये नहीं है कि हम वर्ल्ड कप की तैयारी करें, जरूरी ये नहीं है कि हम अपनी टीम को बेहतर बनाएं, क्या जरूरी ये है कि जी हम शिकारबाजियों के ऊपर रहें, हम ताना कसी करते रहें कि ये नहीं होगा तो वो हो जाएगा, यार अपनी टीम टीम के ऊपर फोकस करो। देखिए मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी ये वीडियोस या ये न्यूज नहीं देख रहे कि एशिया कप कभी पाकिस्तान में हो रहा है और कभी श्रीलंका में हो रहा है, ऐसे उनका माइंड जो है वो डाइवर्ट होगा, उनको ही नहीं पता हमने खेलना भी है एशिया कप या नहीं। अब बाबर आजम है और टीम का कप्तान है, उसको उसको एक कप्तान की प्लानिंग होती है ना बंदे की, यार मैंने ये प्लान करना है, एशिया कप स्क्वाड होगा, उसको पता ही नहीं है कि हमने एशिया कप खेलने जाना भी है या नहीं, या हम एशिया कप में हिस्सा ले भी रहे, लिटरली उनको ये भी नहीं पता कि हम वर्ल्ड कप भी खेलने जा रहे हैं या नहीं खेलने जा रहे। ये इस ये पीसीबी की इन हरकतों की वजह से ना, यकीन करो पाकिस्तान क्रिकेट डैमेज हो रही है, और ये जो नजम सेठी है ये चला जाएगा साल डेढ़ बाद, नया चेयरमैन आ जाएगा, पहले रमीज राजा था वो बेड़ा गर्क करके गया सारा,
फिर नजम सेठी आया वो मजीद बड़ा गड़क कर रहा है, और जो आगे आएगा वो मजीद बड़ा गड़क करेगा, और पाकिस्तान क्रिकेट के हल लग जाएंगे, और हल लगे हुए हैं, लग नहीं जाएंगे, हल लगे हुए हैं, और ये लोग मिल के लगवा रहे हैं। पता नहीं यार, अब मुझे एक बात बताओ, एक एक, एक समझदार इंसान जो होता है, एक समझदार जिसमें दिमाग होता है और उसका यूज भी करता है, सबको पता है, हर बंदे को पता है, जो क्रिकेट को देखता है उसको पता है, बीसीसीआई क्रिकेट का रिचेस्ट बोर्ड है, और आप सबको भी पता है कि पैसे को आज आजकल पैसे को सलाम है, पता है सबको, ठीक है, क्यों पंगा ले रहे हो बीसीसीआई के साथ, क्यों, किस वजह से पंगा ले रहे हो? फिर बीसीसीआई के साथ पंगा लेके अपनी जो एप्लीकेशन है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल को देते हो कि जी बीसीसीआई ने हमारे साथ ये गलत किया है। वो एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी तो बीसीसीआई चला रहा है, पैसे उनको कौन देता है? बीसीसीआई देता है ना। फिर वो पंगा लेके आईसीसी के पास जाते हो, आईसीसी खुद बीसीसीआई है, मैं अब आईसीसी भी बीसीसीआई है ना, पैसे कौन देता है ज्यादा? बीसीसीआई देता है ना आईसीसी को पैसे। तो ये अकल को इस्तेमाल करो, बैठ के बंदा बैठ के चीजें सॉल्व करता है, ये नहीं कि एक तू छोड़ और एक मैं छोड़ता हूं और बेड़ा गर्क कर दो हर चीज का, ये चीजें बैठ के सॉल्व होने वाली हैं। और मैं पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेट फैंस हैं ना, जो नीचे गालियां देने के लिए माशाल्लाह उन्होंने बिल्कुल हिफज की तैयारी, गाली जरूर देनी है नीचे, उनको मैं कोई चीज बता दूं, 15-16 साल 2012 में लास्ट सीरीज पाकिस्तान इंडिया की हुई थी, बायलैटरल जो इंडिया इंडिया में खेली थी पाकिस्तान में, 15 साल के खराब तल्लुक एक दिन से एक महीने से साल्व नहीं होंगे, वो बैठ के साल्व होंगे। और आपको भी पता है कि कभी भी श्रीलंका एशिया कप खेलने नहीं इंडिया आएगा पाकिस्तान, ये सबको पहले भी पता था। मेरी आप 2-3 माह पहले वाली वीडियो निकाल के देख लो जिसमें मैं बोल गया हुआ था कि एशिया कप पाकिस्तान में भी नहीं होगा, इंडिया तो दूर की बात है, पाकिस्तान में कोई भी टीम नहीं आई, क्योंकि अब श्रीलंका बांग्लादेश ने बोल दिया कि हम बार बार टूर हम कभी पाकिस्तान में आए, फिर उधर से उठ के हम यूएई में जाएं, तो हमने एक ही जगह पे जाना है, और वो जगह हम उस जगह पे जाएंगे जिस जगह पे इंडिया ने अपने मैचेस खेलने हैं। अब दसो एंड पे अकेले रह गए आप लोग, और जो बंदा इस तरह की हरकतें करता है वो एंड पे अकेला रह जाता है यार। ये मेरे साथ तो प्रैक्टिकल चीज है कि जो बंदा हर टाइम वो कहते हैं ना कि इस तरह की चीज, वो अकेला रह जाता है, और अकेला रहना आजकल की इस दौर में वो टफ हो जाता है थोड़ा सा, तो सोचो कुछ क्या करना है आप लोगों ने। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को अपना बोझ है रखिएगा, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब करें, 50K करना है जल्दी जल्दी, क्योंकि 50K होंगे हम सेलिब्रेट करेंगे, तो फिर आपको मजा आएगा। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।